दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों थंबनेल पर देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपके समक्ष बात करने वाले हैं यूपी टीटी एग्जाम 2023 पर। दोस्त इसके संदर्भ में एक बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है। लगातार आपको इस बात का कन्फ्यूजन बना हुआ था कि आखिरकार जो 2023 में यूपी टेट होगा वो 2022 का होगा कि 2023 का होगा। अगर देखा जाए जो यूपी टेट का प्रावधान है वह वर्ष में एक बार कराने का लक्ष्य हमेशा रखा जाता है और यह नियम भी है कि आपका जो यूपी टेट है वह वर्ष भर में एक बार होगा। लेकिन अगर देखा जाए पिछले 2 से 3 बार जो है यूपी टीटी अपने नियत समय पर नहीं हो पा रहा, यानी वर्ष भर में एक बार भी नहीं हो पा रहा है, ठीक है। 2022 में आप सभी को पता है कि यूपी टेट का आयोजन नहीं हो पाया, तो ऐसे में आप पूछते रहते हैं कि आखिरकार जो 2023 में यूपी टेट होगा वो 2022 का होगा कि 2023 का होगा। आप देख पा रहे हैं आपके समक्ष एक अपडेट निकल कर आ रहे हैं तीर के माध्यम से, आप देख पा रहे हैं लिखा जा रहा है, नोटिफिकेशन हुआ जा रही है। इसमें क्या कुछ कैसे है, 11 दिसंबर की आज हम सबसे बड़ी अपडेट आपके समक्ष शेयर कर रहे हैं यूपी टीटी नोटिफिकेशन 2023 के बारे में, ठीक है। यहां लिखा जा रहा है, आप देख पा रहे हैं पीएनपी सचिव का आदेश, आखिरकार पीएनपी की तरफ से क्या कुछ कैसे निकल कर आया है, सारे बातों पर हम डिस्कस करेंगे। आवेदन व परीक्षा कब तक हो सकती है इस यूपी टीटी 2022 या 2023 के, और सबसे बड़ी चीज जो आपके समक्ष है नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन का। लगातार आप पूछते रहते हैं, जो लोग टेट और सीटेट पास अभ्यर्थी हैं उनका एक ही कहना है कि भैया नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाए। ऐसे में हम आज की इस वीडियो में भी चर्चा करेंगे कि नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आपका कब तक जारी हो सकता है। तो मैं निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आप सबसे पहले आपको अपडेट से रूबरू कराते हैं। देखिए आपके समक्ष अपडेट लगा है, अब 2023 में होगी, ठीक है, अब 2023 में होगी 2022 की शिक्षक पात्रता परीक्षा। अच्छा, अब इससे समझ में यही आ रहा है कि यहां लिखा जा रहा है अब 2023 में, जाहिर सी बात है आप जो पूछ रहे थे कि 2022 की होगी या 2023 का होगा, तो या इस अपडेट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ये जो परीक्षा 2023 में आयोजित की जाएगी वो 2022 सत्र की होगी, ठीक है। और 2023 का कब होगा वह आगे के लिए छोड़ दीजिए, वह अभी से निर्धारण करना उचित नहीं है। इसके आगे आपसे कहा जा रहा है, प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षक भर्ती के लिए अनिवार्य उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टीटी लगातार चौथे साल पटरी से उतरती नजर आ रही है। 2022 की परीक्षा अब 2023 में होने की उम्मीद है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE ने 11 फरवरी 2023 को जारी अधिसूचना में साल में कम से कम एक बार टीटी कराने की व्यवस्था दी थी, लेकिन यूपी में 2019 से टेट सत्र पटरी से उतरता हुआ है। CA NRC के विरोध के कारण 2019 में परीक्षा 8 जनवरी 2022 को कराई गई थी। 2020 में कोरोना महामारी के कारण परीक्षा नहीं हो सकी थी और सत्र शून्य रह गया था। इसके बाद काफी अड़चने, तारीख बदलने के बाद 2021 की परीक्षा पिछले साल 28 नवंबर को प्रस्तावित थी, लेकिन पेपर लीक होने के कारण 2021 की परीक्षा भी टालनी पड़ी। 2021 की परीक्षा 23 जनवरी 2022 को हो सकी थी। 2022 की टीटी भी इस साल होने के आसार नहीं हैं, क्योंकि परीक्षा की तैयारी में कम से कम 3 महीने का समय लगता है। यहाँ आप पूरी अस्पष्ट चीज़ें आप समझ पा रहे हैं, इस कॉलम को आप देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ आपसे कहा जा रहा है 2022 की टीटी इस साल होने के आसार नहीं हैं, क्योंकि परीक्षा की तैयारी करने में कम से कम 3 महीने का समय लगता है। अभी तक परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की ओर से शासन को टेट कराने का प्रस्ताव तक नहीं भेजा गया है। अच्छा, इसके आगे कहा जा रहा है, आप देख पा रहे हैं कार्यालय में अधिकार नहीं, एक अफसर पर 3 चार्ज। इसके आगे क्या कहा जा रहा है जरा सा विचार करें, और यह सरकार कहती है कि हम जो है इतने लोगों को रोजगार दे रहे हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत हम देखिए किसी का कटाक्ष नहीं कर रहे हैं, आप इस कॉलम को देखेंगे। यहां आपसे कहा जा रहा है कार्यालय में अधिकारी नहीं, एक अफसर पर 3 चार्ज। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय में अधिकारियों की कमी के कारण समय से टेट कराना चुनौती होगा। वर्तमान में सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी के पद पर अनिल भूषण चतुर्वेदी कार्यरत हैं, जिनके पास प्राचार्य राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान अपर शिक्षा निदेशक बेसिक का भी प्रभार है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय में रजिस्ट्रार और डिप्टी रजिस्ट्रार के पद खाली हैं। ऐसे में सवाल है कि पेपर छपवाने को लेकर NIC से समन्वय और बाकी कम से कैसे करें, ठीक है, काम कैसे करें, ये सारी चीज़ें आपने देखा, ठीक है। अब ऐसे में सवाल उठता है, यहाँ तो आपसे साफ कह दिया गया कि आपकी परीक्षा 2022 की 2023 में कराई जाएगी, ठीक है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार आवेदन हमारा कब से हो सकता है। देखिए जो संभावना
संभावनाएं आपके बीच में जताई जा रही थी जनवरी थी, ठीक है। जनवरी में आपके ऑनलाइन आवेदन हो सकते हैं, चूंकि जनवरी लास्ट भी हो सकता है, जनवरी सेकेंड वीक तक भी हो सकता है। मैं मानकर चल रहा हूं कि जनवरी के सेकेंड वीक तक अगर आपके ऑनलाइन आवेदन कराए जाते हैं तो मार्च से अप्रैल तक आपकी परीक्षा करा ली जाएगी, और यह मानकर चलिएगा कि जुलाई से अगस्त तक, ठीक है, यूपी टेट का सारा प्रोसेस रिजल्ट वगैरह का समाप्त हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें आप समझ पा रहे हैं। यहाँ लिखा जा रहा है कि नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन, ठीक है। अब अगर जो है पीएनपी से यूपी टेट कराने के संदर्भ में कोई भी प्रस्ताव नहीं भेजा गया है तो जाहिर सी बात नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन में जो जुलाई अगस्त तक संभावनाएँ जताई जा रही वह और आगे के लिए जा सकती हैं, यानी नवंबर दिसंबर तक ये सारे प्रोसेस हो सकते हैं, ठीक है, नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन का, ठीक है। तो फिलहाल के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा जो लोग यूपी टेट का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अच्छा, एक बात मैं और आपसे कहना चाहूंगा, अगर आप यूपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बाबू आप सुपर टेट के हिसाब से प्रिपरेशन करें, क्योंकि आपको यूपी टेट के बाद सुपर टेट का चांस नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए, ठीक है। और अगर अभी से आप टारगेट बनाकर चल रहे हैं हमें भविष्य में सुपर टेट देना है या इस यूपी टेट के बाद सुपर टेट देना है तो आपके लिए कहीं ना कहीं एक बेहतर उम्मीद साबित होगा, ठीक है। वीडियो को यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स, धन्यवाद।